तो दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी CAA और NRC का पूर्जी और विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। कोरोना वायरस से भारत में अब तक 23 राज्य और 82 जिलों में लॉकडाउन, सभी यात्री ट्रेन, मेट्रो और अंतरराज्यीय बसें 31 तक बंद। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश 23 राज्य समेत विभिन्न राज्यों के 82 जिले बंद कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और दहशत के बीच देश में पहली बार 10 दिनों के लिए सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मुंबई लोकल समेत लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली व नोएडा मेट्रो और सभी राज्यों में अंतरराज्यीय बस सेवा 31 मार्च तक नहीं चलेंगी। दिल्ली, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश सहित 23 राज्यों को लॉकडाउन कर दिया गया। वहीं आपको बता दें यूपी सहित 17 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों को भी लॉकडाउन किया गया है। वहीं कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न राज्य के 82 ऐसे जिलों को लॉकडाउन करने का फैसला किया गया जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। वहीं आपको बता दें रेलवे ने भी 31 मार्च तक सिर्फ मालगाड़ियां चलाने का आदेश दिया है। वहीं आधी ट्रेनों से ज्यादा को 31 तक बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना वायरस के कारण लखनऊ में चल रहा CAA और NRC प्रदर्शन टला, धरने से उठी महिलाएं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश के 10 राज्य पूरी तरह से लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को भी 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। इसी दौरान कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए लखनऊ के घंटा घर से नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को आज खत्म करने का फैसला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के घंटाघर पर बीते कई महीनों से CAA और NRC के खिलाफ धरना चल रहा था और महिलाएं बैठी थीं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आज धरने को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि एक बार कोरोना का असर खत्म होगा तो फिर हम दोबारा से धरने पर बैठेंगे। वहीं आपको बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 16 जिलों को लॉकडाउन कर दिया है पूरी तरह से, वहीं जिसमें लखनऊ भी शामिल है और लखनऊ के घंटाघर पर ही ये विरोध प्रदर्शन महिलाएं कर रही थी। अब महिलाओं का कहना है कि जब एक बार कोरोना वायरस का संक्रमण देश में खत्म हो जाएगा तो वो फिर वापस से ही CAA और NRC का विरोध प्रदर्शन घंटाघर पर करेंगी। अब देखते हैं योगी सरकार आगे इसको कैसे लेती है। अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा सरकार ने 7 जिलों को किया लॉकडाउन घोषित। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने 22 मार्च से 9 बजे से आगामी 31 मार्च 2020 के वहीं आपको बता दें कि किसी प्रकार की दुकानें भी, कार्यालय और कारखाने भी, गोदाम भी बंद रहेंगे। वहीं खाने पीने की चीजें जैसे दूध, सब्जी आदि की दुकानें खुली रहेंगी। तो ये सरकार ने काफी बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा राज्य सरकारें सख्ती से कराएं पालन। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के 10 से अधिक राज्य पूरी तरह से लॉकडाउन किए गए हैं, इसके बावजूद लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकारें कानून का पालन करवाएं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अब एक निर्देश जारी किया गया है जिसके तहत अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें लॉकडाउन की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लॉकडाउन को अभी भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों को गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का लोगों से पालन कराएं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 10 से अधिक राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन सोमवार सुबह जो स्थिति दिखी उसमें कई जगह लोग सड़कों पर दिखे और लोगों से, जबकि लॉकडाउन के निर्देश के दौरान लोगों से घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ये काफी गंभीरता से लिया है और मोदी ने राज्य सरकारों को सख्ती बरतने के लिए कहा है।
अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि जनता कर्फ्यू के बाद शाहीन बाग के धरना स्थल पर पसरा सन्नाटा, इक्का दुक्का महिला ही रही मौजूद। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कल पूरे देश में जनता कर्फ्यू जारी रहा। वहीं दिल्ली मुंबई सहित पूरे देश में सड़कें वीरान दिखी। वहीं ट्रेनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया। इसी बीच पिछले 3 महीने से अधिक समय से चल रहे CAA और NRC विरोधी आंदोलन का केंद्र रहे शाहीन बाग में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर इक्का दुक्का महिला ही प्रदर्शन पर बैठी हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों का स्टेज और तख्त पहले की तरह ही जमे हुए हैं। प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से ही यहां पर वाहनों की आवाजाही ठप है और समाचार एजेंसी ANI के अनुसार शाहीन बाग के धरना स्थल पर कुछ ही महिलाएं दिखाई दे रही हैं। यहां पर आज आम दिनों से बहुत कम महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं। वहीं हालांकि यहां पर प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए पोस्टर में कोरोना वायरस भी शामिल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने खाली जगहों पर अपनी जूतियों के साथ ही फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस के पोस्टर लगा रखे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जो है जनता कर्फ्यू की अपील को भी इन्होंने समर्थन दिया, लेकिन धरना स्थल से उठने से साफ इनकार कर दिया और लगातार CAA और NRC के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी के बीच डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जारी किया 25 करोड़ का फंड। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के कारण पूरी मानव जाति पर जीवन और मृत्यु का संकट गहरा रहा है। वहीं उन्होंने पैरामेडिकल के लिए 25 करोड़ का फंड दिया है। उन्होंने कहा है कि इस 25 करोड़ रुपये से जो कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हैं उनका इलाज किया जा सके, उनको दवाई दी जा सके, इसीलिए राजस्थान सरकार ने 25 करोड़ का ये फंड पैरामेडिकल और डॉक्टरों के लिए जारी किया है। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पूरी गंभीरता, योग्यता और क्षमता के साथ इस चुनौती का डटकर सामना करें। आगे CM गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में धन और संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। वहीं उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन के दौरान किसी की जरूरतमंद को परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई भी प्रदेश में भूखा नहीं सोए। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तु की सप्लाई चेन मैं नहीं टूटने दूंगा, साथ ही सरकार की एडवाइजरी के 100% पालन सुनिश्चित हो। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है राजस्थान सरकार ने, 25 करोड़ का कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए फंड दिया है। अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उत्तराखंड में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 31 मार्च तक लॉकडाउन के दिए आदेश। वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में वायरस के खिलाफ देशव्यापी जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक सेवाएं जैसे कि भोजन, दवाएं सभी के लिए उपलब्ध रहने की बात कही है। बता दें आपको कि दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यानी रविवार को आयोजित जनता कर्फ्यू पूरे उत्तराखंड में 100% सफल रहा। वहीं रविवार को जनता कर्फ्यू की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री आगामी 31 मार्च तो पूरे उत्तराखंड में जनता कर्फ्यू यानी लॉकडाउन जारी करने का फैसला लिया है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बीच बिहार के ये जिले होंगे लॉकडाउन, CM नीतीश ने बुलाई मीटिंग। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए देश भर में शहरों को लॉकडाउन करने का सिलसिला जारी है। इसी बीच खबर है कि अब बिहार के भी कई शहरों को लॉकडाउन किया जा सकता है। इसको लेकर सूबे के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक भी आज बुलाई है जिसमें यह फैसला हो सकता है। वहीं आपको बता दें जानकारी के मुताबिक जिन जिलों को लॉकडाउन करने की तैयारी है उसमें छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुंगरे अलावा राजधानी पटना भी शामिल है। चूंकि मुंगरे के पेशेंट की इलाज के दौरान पटना में मौत हुई थी और ऐसे में वहां लॉकडाउन किए जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा बिहार के छपरा आदि को भी बंद किया जा सकता है। तो नीतीश कुमार भी अब ये फैसला ले सकती है। अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। मोदी सरकार को चिदंबरम का सुझाव, PM किसान सब्सिडी की जाए दुगनी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पूरा देश खौफ में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई आदि 10 से अधिक राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। कोरोना का असर सबसे ज्यादा आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।
कोरोना के कारण आने वाले संभावित खतरे से निपटने के लिए मोदी सरकार भी तैयार है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। निर्मला सीतारमण के ऐलान से पहले पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार के कदम की तारीफ की। उन्होंने सोमवार को ट्विटर पर लिखा, मैं इस संकेत का स्वागत करता हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में राहत उपयोग का ऐलान करेंगी। वहीं चिदंबरम ने सरकार को सुझाव भी दिए। अपने ट्वीट में पी चिदंबरम ने लिखा कि राहत उपयोग में कई चीजों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री किसान सब्सिडी दोगुनी करना और योजनाओं के भीतर किराएदार किसानों को लाना, कर भुगतान तारीख को बदलना, अप्रत्यक्ष करों में कटौती, खास रूप से कुछ जीएसटी दरों में गरीब परिवारों को पैसा ट्रांसफर शामिल है। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पी चिदंबरम ने सुझाव दिया कि जो परिवार खाद्य लेना चाहे उसे सरकार मुफ्त में 10 किलो चावल या गेहूं देना चाहिए। नौकरी देने वालों को गारंटी और राजकोषीय प्रोत्साहन रोजगार और मजदूर के वर्तमान स्तर को बनाए रखें। अदब के दायरे में रखकर इस ऐवान को चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टीज की भी है, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर अखलाकी तौर पर और आइनी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और ख़ास तौर से हम तमाम सियासी पार्टियों के अराकीन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि इख्तदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर इज़ नॉट इटर्नल। आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहाँ पर करते हैं